दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे और आपके YouTube चैनल MS व्लॉगर में। जी हाँ, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमृतसर टूर प्लान के बारे में। अमृतसर में आप कहाँ कहाँ घूमने जा सकते हैं, गोल्डन टेंपल, जलियांवाला बाग और वाघा बॉर्डर, इन सब के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। कैसे आप जा सकते हैं, कैसे अपना टूर प्लान कर सकते हैं, कितना खर्चा हो सकता है आपका, ट्रेन से, बस से, टैक्सी से कैसे आपको जाना चाहिए, कितनी कितनी दूरी है एक दूसरे से और कहाँ आपको रुकना चाहिए, कितना खर्चा उसमें होने वाला है, सारी बातों की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। और अगर आप वैष्णो देवी जाना चाहते हैं तो वैष्णो देवी के टूर प्लान में एक दिन और ऐड कर लीजिए पहले, तो आप अमृतसर गोल्डन टेंपल भी घूमने जा सकते हैं। उसके बारे में भी आपको डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और इसी तरह की वीडियोस अगर हमेशा देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आप अमृतसर पहुंचना चाहते हैं तो अमृतसर आप चाहें तो बाय प्लेन भी पहुंच सकते हैं। दिल्ली और कुछ बड़े बड़े शहरों से डायरेक्टली अमृतसर एयरपोर्ट के लिए फ्लाइट आपको अवेलेबल हो जाएगी। अमृतसर एयरपोर्ट से गोल्डन टेंपल के बीच की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, 10 से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहां से आपको टैक्सी ऑटो आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप बाय रोड आते हैं तो बाय रोड नेशनल हाईवे 1 से डायरेक्टली दिल्ली और अमृतसर जुड़ा हुआ है और बहुत सारी बस, डिलक्स, नॉन डिलक्स, हर तरह की बस लगातार 24 घंटे चलती रहती है और कुछ बड़े बड़े दूसरे शहरों से भी लगातार अमृतसर के लिए बस आपको अवेलेबल हो जाएगी। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो ट्रेन से भी आप डायरेक्टली दिल्ली से अमृतसर आ सकते हैं, जिसमें कुछ स्पेशल ट्रेन जैसे शान ए, पंजाब या शताब्दी ट्रेन आपको 5 से 7 घंटे में अमृतसर पहुंचा देगी। वहां से भी आपको ऑटो रिक्शा और टैक्सी इजीली अवेलेबल हो जाएंगे जो आपको गोल्डन टेंपल तक ड्रॉप कर देंगे। गोल्डन टेंपल से कुछ दूरी पहले आप ये 4-व्हीलर अलाउ नहीं होगी, उसके आगे आपको सिर्फ 2-व्हीलर के थ्रू ही जाना पड़ेगा या फिर आप पैदल जा सकते हैं। आपका एक्सपीरियंस बहुत ही शानदार रहेगा, ऐसा लगेगा शायद आप किसी दूसरे कंट्री में घूम रहे हैं, क्योंकि वहां की जो लोकेशन है पूरी तरह से 2016 के बाद चेंज कर दी गई है। दुकानें स्पेशली बहुत ही मेंटेन तरीके से बनाई गई है, बहुत ही साफ सुथरा शहर आपको देखने के लिए मिलने वाला है। अमृतसर पहुंचने के बाद सबसे पहले बात करते हैं वहां पर स्टे करने की। अगर वहां पर आप स्टे करना चाहते हैं, चाहे तो प्राइवेट होटल किसी भी ऐप के थ्रू ऑनलाइन बुक कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली वहां पर जाकर किसी एजेंट के थ्रू कॉन्टैक्ट करके होटल बुक कर सकते हैं, जहां आपको 500 से लेकर 5-6 हजार तक के होटल आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप गोल्डन टेंपल में ही स्टे करना चाहते हैं तो वहां भी आपको फैसिलिटी मिल जाती है। 3 दिन तक कोई भी व्यक्ति वहां पर स्टे कर सकता है, क्योंकि गोल्डन टेंपल के अंदर ही 228 कमरे अवेलेबल हैं और 18 बड़े बड़े हॉल भी अवेलेबल हैं। आप चाहे तो डॉर्मेट्री के रूप में भी वहां स्टे कर सकते हैं या फिर अपना पर्सनल रूम लेकर भी वहां पर रह सकते हैं। इसके अलावा वहां पर रात गुजारने के लिए गद्दे व चादर भी आसानी से अवेलेबल हो जाती है। एक व्यक्ति 3 दिन तक वहां पर पूरी तरह से ठहरने की व्यवस्था वो दे देते हैं, तो वो बहुत ही सस्ता और ऑसम एक्सपीरियंस रहता है अगर आप गोल्डन टेंपल की ही धर्मशाला में स्टे करना चाहें। इसके अलावा आपकी मर्जी है, आप बाहर भी स्टे कर सकते हैं। साथ क्या क्या लेके जाना चाहिए वो आपको बता देता हूँ। अगर आप गोल्डन टेंपल विजिट करते हैं तो गोल्डन टेंपल जाने से पहले आपके पास स्कार्फ या हैंकी जरूर होना चाहिए, क्योंकि सिर को कवर्ड किए बिना आप उसमें एंट्री नहीं ले पाएंगे। वैसे तो वहां पर आपको स्कार्फ वगैरह आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं, एक बकेट में वो सब चीजें रखी रहती हैं, आप चाहे तो वहां से उठाकर उसको यूज कर सकते हैं और वापस दर्शन करने के बाद वापस वहीं लाकर उसको ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये भी अच्छी फैसिलिटी गोल्डन टेंपल में आपको देखने के लिए मिल जाती है। 24 घंटे ये टेंपल ओपन रहता है, आप कभी भी जा सकते हैं। और अमृतसर अगर आप घूमना चाहते हैं तो समय के क्रम में बताऊं तो विंटर में जाना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि पूरा अमृतसर शहर काफी गर्म है और गर्मियों में वहां पर विजिट करना, घूमना काफी ज्यादा स्वेटिंग हो जाता है, बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं। तो सर्दियों में जाओगे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस आपका वहां पर रहने वाला है। चलिए अमृतसर गोल्डन टेंपल के बारे में कुछ डिटेल में आपको बता देते हैं। सिखों के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी ने इसकी नींव रखी थी। कुछ स्रोतों में यह कहा गया है कि गुरु जी ने लाहौर के एक सूफी संत मियां मीर से दिसंबर 1588 में गुरुदेव द्वारे की नींव रखवाई थी, किंतु यह बात अभी तक सिद्ध नहीं हो पाई है। स्वर्ण मंदिर को कई बार नष्ट किया जा चुका है, लेकिन भक्ति और आस्था के कारण सिखों ने इसे दोबारा बनवा दिया था। इसे दोबारा 17वीं सदी में महाराजा सरदार जस्सा सिंह आहलूवालिया द्वारा बनवाया गया था। जितनी बार भी यह तोड़ा गया है उतनी बार ही इसको दोबारा बनवाया गया है। अफगान हमलावरों ने 19वीं शताब्दी में इसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया था, तब महाराजा रणजीत सिंह ने इसे दोबारा बनवा दिया। इसे सोने की पर्थ भी उन्होंने ही चढ़वाई। लगभग 400 साल पुराने इस गुरुद्वारे का नक्शा खुद गुरु अर्जुन देव जी ने तैयार किया था। यह गुरुद्वारा शिल्प सौंदर्य की एक अनूठी मिसाल है। इसकी नक्काशी और बाहरी सुंदरता देखते ही बनती है। गुरुद्वारे के चारों तरफ अलग अलग दरवाजे हैं जो पूरी तरह से गुरुद्वारे को कनेक्ट करते हैं। 4 अलग अलग दिशाओं में 4 दरवाजे बनाए गए हैं। जातिवाद पहले भी था, आज भी और शायद हमेशा रहेगा, इसी वजह से इसमें 4 दरवाजे बनवाए गए हैं, जिससे जो दर्शाते हैं कि किसी भी धर्म के लोग इस गुरुद्वारे में आ सकते हैं, उनको किसी भी तरह की भेदभाव नहीं किया जाएगा। श्री हरिमंदिर साहिब परिसर में 2 बड़े और कई छोटे छोटे तीर्थ स्थल हैं। ये सारे तीर्थ स्थल जलाशय के चारों तरफ फैले हुए हैं। इस जलाशय को अमृतसर या अमृत सरोवर और अमृत झील के नाम से जाना जाता है।
जाता है। इसी अमृत सरोवर की वजह से इस पूरे शहर को अमृतसर नाम से भी जाना जाता है। पूरा स्वर्ण मंदिर सफेद संगमरमर से बना हुआ है और इसकी दीवारों पर सोने की पत्तियों से नक्काशी की गई है। संगमरमर से बने होने के कारण ही मैंने आपको बोला था कि आप गर्मियों में यहाँ विजिट ना करें तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि गर्मियों में संगमरमर इतना ज्यादा गर्म हो जाता है, जब आप विदाउट स्लीपर विदाउट शूज संगमरमर चलेंगे तो आपको समझ सकते हैं कि आपको कितनी तकलीफ होने वाली है। तो सर्दियों के मौसम में यहाँ पर बहुत ही अच्छा रहता है घूमना। सिख समुदाय गुरु को ईश्वर तुल्य मानते हैं। स्वर्ण मंदिर में प्रवेश करने से पहले वह मंदिर के सामने सर झुकाते हैं, फिर पैर धोने के बाद सीढ़ियों से मुख्य मंदिर तक जाते हैं। सीढ़ियों के साथ साथ स्वर्ण मंदिर से जुड़ी हुई सारी घटनाओं का पूरा इतिहास वहां पर लिखा हुआ है। स्वर्ण मंदिर एक बहुत ही खूबसूरत इमारत है। इसमें रोशनी की सुंदर व्यवस्था की गई है। मंदिर परिसर में पत्थर का एक स्मारक भी है जो जाबाज सिख सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए बनवाया गया है। श्री हरिमंदिर साहिब में अनेक तीर्थ स्थान है, इनमें से एक बेरी वृक्ष को भी एक तीर्थ स्थान माना जाता है। इसे बेर बाबा बुड्ढा के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि जब स्वर्ण मंदिर बनवाया जा रहा था तब बाबा बुड्ढा जी इसी वृक्ष के नीचे बैठे थे और मंदिर के निर्माण कार्य पर नजर रखे हुए थे। स्वर्ण मंदिर सरोवर के बीच में मानव निर्मित द्वीप पर बना हुआ है। पूरे मंदिर पर सोने की परत चढ़ाई गई है। यह मंदिर एक पुल द्वारा किनारे से जुड़ा हुआ है। इस अमृत सरोवर में श्रद्धालु स्नान करते हैं। यहाँ बहुत सारी मछलियां हैं। मंदिर में 100 मीटर की दूरी पर स्वर्ण जड़ित अकाल तख्त है। इसमें एक भूमिगत तल है और 5 अन्य तल है। इसमें एक संग्रहालय और सभागार है। यहाँ पर सरबत खालसा की बैठक होती है। सिख पंथ से जुड़ी हर मसले या समस्या का समाधान इसी सभागार में किया जाता है। स्वर्ण मंदिर के बारे में एक प्राचीन कहानी भी बहुत ज्यादा प्रचलित है। चलिए वो छोटी सी कहानी आपको बताते हैं। यहाँ दुमजली बेरी नामक स्थान भी है। गुरुद्वारे के दीवार पर अंकित कविंदिति के अनुसार एक बार एक पिता ने अपनी बेटी का विवाह कोढ़ग्रस्त व्यक्ति से कर दिया था। उस लड़की को यह विश्वास था कि हर व्यक्ति के समान वह कोढ़ी व्यक्ति भी ईश्वर की दया पर जीवित है, वही उसे खाने के लिए सब कुछ देता है। एक बार वह लड़की शादी के बाद अपने पति को अमृत सरोवर के किनारे बैठाकर गांव में भोजन की तलाश के लिए निकल गई। तभी वहां अचानक एक कौवा आया और उसने अमृत सरोवर में डुबकी लगाई और हंस बनकर बाहर निकल गया। यह सब देखकर उस कोढ़ग्रस्त व्यक्ति ने सोचा कि अगर मैं इस अमृत सरोवर में डुबकी लगा लूं तो शायद मेरा भी कोढ़ पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, और वह बिना कुछ सोचे अमृत सरोवर में कूद पड़ा। जैसे ही वह अमृत सरोवर से बाहर निकला उसका कोढ़ पूरी तरह से नष्ट हो चुका था, वह पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका था। यह वही सरोवर है जिसमें आज हर मंदिर साहिब स्थित है। तब यह छोटा सा था जिसके चारों ओर बेर के पेड़ थे। तालाब का आकार तो अब पहले से काफी बड़ा हो गया है, तो भी उसके एक किनारे पर आज भी एक बेर का पेड़ स्थित है। यह स्थान बहुत पावन माना जाता है। यहाँ पे श्रद्धालु माथा जरूर टेकते हैं और इसके आसपास स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं के स्नान करने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था दी गई है। यहाँ पर महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम की भी व्यवस्था पूरी तरह से अवेलेबल है। परंपरा यह है कि यहाँ आने वाले श्रद्धालुजन सरोवर में स्नान करने के बाद ही गुरुद्वारे में मत्था टेकने जाते हैं। जहाँ तक इस विशाल सरोवर की साफ सफाई की बात है तो उसके लिए कोई विशेष दिन निश्चित नहीं है, परंतु डेली प्रतिदिन इसका पानी चेंज किया जाता है और 5 से 10 साल के अंतराल पर इसकी पूरी सफाई की जाती है और जो भी मरम्मत का कार्य होता है उसी समय किया जाता है। गुरुद्वारे में दर्शन करने के बाद पूरे अमृत सरोवर की परिक्रमा करने के बाद श्रद्धालु लंगर खाने के लिए लंगर हॉल में इकट्ठा होते हैं। जैसे ही लंगर हॉल में वे जाते हैं उनके हाथ में एक प्लेट थमा दी जाती है, उसके बाद चम्मच या दूसरी चीजें उनको दी जाती हैं। जमीन पर बैठकर ही पूरा लंगर खिलाया जाता है। यहाँ प्रतिदिन करीब 75,000 से 1,00,000 लोग लंगर खाते हैं। लंगर का पैसा दान से इकट्ठा किया जाता है और बहुत बड़ा बड़ा दान जो लोग देते हैं उसी से इस लंगर को चलाया जाता है। प्रतिदिन 1,00,000 लोगों के लिए खाना का इंतजाम वहाँ के सेवादार करते हैं। कुछ महिलाएं, कुछ बच्चे, बूढ़े, हर तरह के लोग वहाँ पर सेवा देते हैं। लंगर का भोजन बहुत ही स्वादिष्ट होता है। उस लंगर का भोजन खाने के बाद श्रद्धालु पूरी तरह से संतुष्ट हो जाते हैं, उनकी यात्रा भी पूर्ण हो जाती है। इसके बाद श्रद्धालु स्वर्ण मंदिर की परिक्रमा पूरी करते हुए बाहर आ जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें अमृतसर में दूसरी जगह घूमने जाने की, तो आप नजदीक में अमृतसर में नजदीक में ही गोल्डन टेंपल के नजदीक ही जलियांवाला बाग है, जहां आप जा सकते हैं, जिसमें किसी भी तरह की कोई एंट्री फीस नहीं है। और वहां पर जनरल डायर की कायरता के निशान आज भी मौजूद हैं, जो गोलियों के निशान थे उनके आज भी वहां मौजूद हैं, जिन्होंने निर्दोष लोगों को वहां मार गिराया था, तो उनकी कायरता के निशान आज भी वहाँ पर आप देख सकते हैं। बहुत ही बड़ा वो बाग है और किसी भी तरह की फीस वहाँ नहीं लगती है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो वाघा बॉर्डर भी जा सकते हैं। वाघा बॉर्डर की बीच की दूरी करीब गोल्डन टेम्पल से 28 से 30 किलोमीटर रहती है। उसके लिए भी वहाँ से आपको टैक्सी, ऑटो सब चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। बट अगर आप बाघा बॉर्डर जाना चाहते हैं तो आपको 3 बजे तक वहाँ पर पहुँचना होगा, क्योंकि उसके बाद वहाँ पर एंट्री पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। किसी भी तरह की एंट्री फीस वहाँ पर नहीं रहती है, पर
बहुत ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ पहुँचते हैं तो लिमिटेड सीट होती हैं, तो उसके हिसाब से ही उनको एंट्री दी जाती है। बट जो पहले आता है वो पहले पाता है वाली ही प्लान के थ्रू वहाँ पर एंट्री होती है। तो जितना जल्दी आप पहुँच सकें आप पहुँच जाइए, 3 बजे तक वहाँ पहुँच जाइए। और वहाँ पर टाइमिंग रहता है, सर्दियों में परेड का आयोजन होता है करीब 4 से 4:30 के करीब, और गर्मियों में 5 से 5:30 के करीब परेड का आयोजन किया जाता है। तो परेड के टाइमिंग से करीब 1.5 घंटा या 2 घंटा पहले आप वहाँ पहुँच जाइए और अपनी एंट्री ले लीजिए। इसके अलावा VIP पास भी वहाँ पर अवेलेबल हो जाते हैं। उसके लिए बाघा बॉर्डर से 14 से 15 किलोमीटर पहले खासा नाम एक जगह है, वहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन होता है बाघा परेड को देखने के लिए। आप चाहें तो अपनी ID, आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड दिखाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, तो आपको एक VIP पास अवेलेबल करा दिया जाएगा, जिसके थ्रू आप डायरेक्टली बाघा बॉर्डर पर टाइमिंग परेड के टाइमिंग से कुछ समय पहले ही एंट्री पा सकते हैं। तो ये थी कुछ खास जगह अमृतसर घूमने जाने की। और अगर आप माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो आप एक दिन एक्स्ट्रा ले सकते हैं और गोल्डन टेम्पल भी विजिट करने जा सकते हैं। उसके लिए आपको डायरेक्टली दिल्ली से अमृतसर के लिए ट्रेन या बस अवेलेबल हो जाएगी, और डायरेक्टली अमृतसर से कटरा और जम्मू के लिए भी बहुत सी ट्रेन और बस की सीधी व्यवस्था आपको मिल जाती है। तो आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं। वैष्णो देवी की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप चाहें तो देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा सभी दोस्तों मित्रों के साथ। और खर्चे की बात अगर मैं बताऊँ तो खर्चा बहुत ज़्यादा वहाँ पर नहीं होने वाला है। मैंने आपको रुकने की व्यवस्था भी आपको बता दी है, बहुत सस्ती, और खाने पीने की व्यवस्था देखिए गोल्डन टेम्पल में तो फ्री लंगर ही होता है। अगर आप बाहर से खाना चाहें तो वहाँ भी कोई ज़्यादा खर्चा आपको नहीं होने वाला है। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद।